लेते हैं, ये मुझे इतना वर्दी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं अपना ये अपने को 2000 रुपीज़ का पड़ा था, ये है। तो आप जैसे ये देखोगे यहाँ पे, ये अब अपने को दिखा रहा है कि यहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ना है, तो 300। तो क्या हाल है भाई? ओके, मैं ऐसे करता हूँ, रॉयल फैमिली एकदम बढ़िया होगी, खुश होगी, सेफ होगी, तुम्हारा भाई भी बढ़िया, बस दुआ यार आप लोगों की और बाबा का आशीर्वाद है। तो आज अपन लाए हैं हंटर के कुछ ऐसे, मैं एसेसरीज आपको दिखाऊंगा जो कि वर्दी रहेगी आपको, अगर आपके पास हंटर है या अगर आप लेने जा रहे हो, हालांकि आज भी इस पे वेटिंग है, तो ये एसेसरीज आप लगवाओगे तो कुछ थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा, लाइक वर्दी एसेसरीज मैं इनको कहूँगा। हालांकि सब लोग अपने बजट में रह के ही, जो भी अपने बजट है उसके हिसाब से ही चूज़ करते हैं, तो अपना बजट देखना है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही है बिकॉज अभी इसकी एसेसरीज इतनी मार्केट में है नहीं। तो पहली यार एसेसरी ये मैंने आपको डिलीवरी के टाइम पे भी आपको बताया था, LED वाले इंडिकेटर्स, ठीक है, प्राइस इसका बाद में बताता हूँ, पहले एसेसरी गिनवा देता हूँ। दूसरी अपने को ये बार एंड जो मिनर्स है वो मिल जाते हैं। तीसरी जो कि बहुत ही वर्दी एसेसरी मुझे अभी लगी वो इसकी सीट, ये वाली कुशन सीट है। अगेन पीछे आपको वही LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे की बात कर लूँ तो यार अभी अपने को यहाँ पे एक गार्ड लगवाना है, वो अभी लगवाया नहीं है। हॉर्न इसमें हमने एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगवाया है, बट इसका इशू यही है कि कभी बजता है साला, कभी नहीं बजता, तो इसमें ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगी। एक और मैं बात कर लूँ तो जो सबसे बढ़िया अभी तक का मुझे लगा वो है ये नेविगेटर, उसके बाद अपनी आती है विंड स्क्रीन, बाकी ये तो अपना फ़ोन स्टैंड है, तो इसमें एज सच इशू नहीं है, ठीक है। तो अब अपन प्राइस की बात कर ली जाए तो प्राइस पहले सिर्फ फोकस करते हैं सामने से, तो सामने अगर हम ये विंड स्क्रीन की बात कर लिया तो यार अपने को क्या था उस टाइम, अब जब हम बाइक ले लेते हैं तो सोचा उसी टाइम करवा लेते हैं, नहीं है, बिकॉज उस टाइम बाइक नई थी, हमको लगा कौन मार्केट में जाएगा इसको छिड़वाएगा, इसलिए अपन ने ये लगा लिया था। ये वाइज़र अपने को पड़ा था अराउंड अराउंड 2500 का, मतलब 2500 रुपये का ये अपने को पड़ गया था। उसके बाद इसकी बात कर लिया है तो यार ये LED इंडिकेटर है, बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, थोड़े से लुक भी अच्छे कर देते हैं, हालांकि इन पे इतना वर्दी नहीं रहता, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूँ तो यार ये हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ गए थे, लाइक 4500 के पड़ गए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये मुझे इतना वर्दी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं अपना ये अपने को 2000 रुपीस का पड़ा था, ये है नेविगेटर। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको क्लिप में डाल के। पहले अपने को क्या करना होता है, इसको ऑन करना होता है और जो फ़ोन में अपने पास रॉयल एनफील्ड का ऐप है उसको अपने को प्ले करना होता है। और जैसे अपन रॉयल एनफील्ड के ऐप पर जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि नेविगेट कहाँ करना है, ये रहा ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये जैसे ही यहाँ वहाँ पर 4-5 digit का कोई कोड आता है वो हमें यहाँ डालना होता है, तो ये जहाँ भी हम जा रहे होते हैं उससे कनेक्टेड हो जाता है। जो भी डाल दो गुरुगांव, तो आप जैसे ये देखोगे यहाँ पे ये अब अपने को दिखा रहा है कि यहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ना है, तो 307 में, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियरी फीचर है। तो अब बात कर लेते हैं नेविगेटर के बाद हम बात कर लेते हैं बार एंड मिरर्स। ये अपने को अराउंड 1500 के पड़े थे दोनों मिला के। तो पहले अपन ने ये उसमें लगवाए थे बट उसमें ये फिर हिलने लग जाते हैं उसकी वाइब्रेशन की वजह से, दैट्स अ रीज़न कि अपन ने वापस इसको इसमें लगवा दिया। इसका थोड़ा सा जो ये है ना लुक अच्छा आता है, बॉबर स्टाइल में ये ज़्यादा मेरे को प्रेफरेंस लगता है, तो वो एक इसकी अच्छी पॉइंट हो गई कि हाँ थोड़ा सा लुक एनहेंस कर देता है आगे से। तो ये भी अपने को 1600 के पड़ गए थे। उसके बाद अपन आ जाते हैं अपनी तीसरी एसेसरी पे जो कि है सीट। सीट अपन ने इसकी लगवाई थी अराउंड 2500 रुपये की लगवाई थी और ये लेते समय ही लगवा दी थी। तो सीट पर भी अभी आजकल काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से कम्फर्टेबल है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट आती है उससे तो हाँ उससे तो कम्फर्टेबल ही है, इस दैट्स अ रीज़न कि थोड़ी सी मेरे को वर्दी लगी, बाकी तो एज सच इसमें कुछ है नहीं। हॉर्न की बात करी तो यार हॉर्न तो
एकदम ही वेस्ट है। सिंगल हॉर्न देते हैं, हमने ड्यूल लगवाया, यहाँ पे आप देख रहे होगे पत्ती डाल के, तो वो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा, वो भी अराउंड 600 रुपए का था। सो फिलहाल इसके अंदर इतने ही मॉडिफिकेशन अपन ने करवाए हैं, और इससे ज़्यादा मुझे, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इससे ज़्यादा गाड़ी को नहीं छिड़वाना है, जो सिंपल और डिसेंट लगता है वही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है बहुत ऑफ द लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, बिकॉज डिसेंसी अच्छी एक क्लास देती है बाइक को या गाड़ी को, जो भी आप जितना डिसेंट रखो, जो कहते हैं ना टेस्टफुली मॉडिफिकेशन, वो होनी चाहिए बाइक में बस। तो आज इतना ही रखते हैं यार, अगर वीडियो को जरा भी पसंद आई हो ना तो शेयर कर देना अपने हंटर वाले दोस्तों के साथ, बुलेट वाले दोस्तों के साथ, रॉयल एनफील्ड के साथ शेयर कर देना, ठीक है, जो भी अपने भाई लोग हैं। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन सी बाय बाय और टेक केयर।